नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इसका 5वां अध्याय मधुबन यह व्याख्या के लिए यानी कि एक्सप्लेनेशन के लिए लेकर आई हूँ। इस लेसन को लिखा है अनुराग वर्मा जी ने। आइए हम इसके इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। तो यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो अनुराग वर्मा जी हैं वे हिंदी के एक खूब जाने माने जो हैं लेखक हैं। गद्य से संबंधित यानी कि इस लेसन से संबंधित देख लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यानी कि ये साक्षात्कार लेखन कैसा होता है, यहाँ इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको पता पड़ जाएगा। आपको आता है ना एग्ज़ाम में लिखने के लिए साक्षात्कार लेखन, है ना, या फिर इसको इंटरव्यू कहा जाता है जैसे, है ना। तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, संवाद लेखन के लिए भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि एक एक बात किसी से पूछने के बाद उसका सामने वाला जो उत्तर दे रहा है, यानी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको संवाद लेखन कहा जाता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से उसके जीवन की उपलब्धियों के बारे में वगैरह पूछे तो उसको साक्षात्कार कहा जाता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अंतर है थोड़ा सा, पर दो लोग आपस में बात करते हैं तो उन्हें किस तरीके से हमें लिखना चाहिए इसका पूरा ज्ञान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने जो जो प्रश्न पूछने थे वे ये वाले थे, जैसे कि काव्य रचना के बारे में, वे कविताएं कैसे लिखते हैं, उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिलती है कविताओं को लिखने की, फिर लौकिक और पारलौकिक प्रेम जो उनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है वो कैसे आता है, देश की स्थिति मतलब क्या कहेंगे समसामयिक स्थितियों के बारे में बात करना आदि। तो डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं, यानी बड़े खुले मन से उत्तर दिए हैं बिना किसी डर के, है ना। तो आइए देखते हैं इनका, हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। सुबह का समय था, मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। यानी अनुराग वर्मा जी जो है राम कुमार वर्मा जी से मिलने के लिए उनके घर गए थे, और उनका घर कहाँ है, प्रयाग स्टेशन के पास, मधुबन उनके निवास स्थान का जो है नाम है। और यहाँ पे डॉक्टर अनुराग वर्मा यानी जो लेखक है वे बोल रहे हैं कि मैं उनके घर की तरफ पूरी रफ्तार से यानी बड़ी तेज़ी से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे का जो मिलने का समय तय हुआ था उनसे, है ना, इसलिए उन्हें जल्दी थी कि कहीं देर न हो जाए। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। यानी वो बोले मैंने उनको बहुत सारे फंक्शंस के समय देखा है, संगोष्ठियों के समय देखा है, मैंने उन्हें सम्मेलनों में देखा है, कवि सम्मेलन वगैरह में, है ना, लेकिन जो आज 1-to-1 उनसे बात करने का मुझे अवसर मिल रहा था ये पहला था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना यानी कि जो है उनको बहुत सारी बातें जो है उनके दिमाग में आ रही थी, ये कि पूछूं वो पूछूं वगैरह वगैरह, या वे सोच रहे थे कि अभी जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, डॉक्टर साहब कैसे होंगे, क्या बात करूंगा, इन सब बातों का। जब हम एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो इसी तरह का ज्वार जो है, ज्वार है ने बुखार, है ना, और ज्वार है ने किसी चीज़ का तेज़ी से उठना। ज्वार भाटा आपने पढ़ा होगा तो आपको पता पड़ेगा, जो समुंदर में जो है ज्वार और भाटा आता रहता है ना, तो उस तरीके से हमको यहाँ मीनिंग पता पड़ता है कि विचारों का ज्वार उठ रहा था उनके दिमाग में। सोच रहे थे कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा, और उस साहित्य होगा, उस साहित्यिक मनीषिका ने साहित्य में इतने निपुण होने वाले व्यक्ति का जो है कैसा व्यवहार होगा। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए
मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी हुई घंटी बजाई और नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। मैंने उनके नौकर को जो है रामकुमार वर्मा जी ने बोल के रखा था कि अनुराग वर्मा जी जो है मुझसे मिलने के लिए आएंगे, इसलिए उसने सीधे सीधे पूछा, क्या आप अनुराग वर्मा जी हैं? तो लिखे बोले मैंने उत्तर हाँ में दिया। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में ही डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा और मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, जैसे इतने बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कैसे आना हुआ। तो जो लेखक है उन्होंने कहा कि आपके जीवन के जो कुछ प्रसंग यानी घटनाएं हैं उनसे और आप जो कार्य करते हैं लेखन का, आपको कैसे प्रेरणाएं मिलती हैं उन सब के लिए, ये सब की जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए, है ना, ठीक है फिर पूछिए, सवाल शुरू कीजिए। तो प्रश्न किया लेखक ने, अनुराग वर्मा ने, कि डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई, यानी जो आप कविताएं लिखते हैं इसकी आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिससे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो, यानी काव्य रचना के बारे में आप ऐसा प्रसंग ऐसी कोई घटना हमको बताइए जिसने आपके जीवन के जीवन को एक महत्वपूर्ण जो है मोड़ दिया हो। तो यहाँ पे वर्मा जी बोलते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ, यानी समाज में अंधव्यवस्था है ना, यानी आंखें बंद करके विश्वास कर लेना और अंधव्यवस्थाएँ क्या होती है, तो देखा जाएगा यहाँ पर कि पहले तो मेरे जीवन में समाज के अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया, है ना। पारिवारिक और सामाजिक व्यवधान उनके जीवन में कई आए, मतलब घर के लोगों ने कहा होगा, अरे अभी 15 साल के हो, कहाँ असहयोग आंदोलन में भाग लेने जा रहे हो, है ना। इस तरीके से कई उनके जीवन में जो है व्यवधान यानी रुकावटें मुश्किलें आई होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पार करते हुए इसमें भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, यानी ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जो ज़िला है वहाँ पर मौलाना शौकत अली साहब आए थे, उन्होंने बताया कि भाई आजकल जो है अंग्रेजी तालीम यानी शिक्षा जो है दी जाती है बच्चों को, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में डाला जाता है, तो ये तो जो है गुलाम बनाने का एक नुस्खा है अंग्रेज लोगों का। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए वे कहने लगे, है कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा, यानी इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल है उसमें नहीं जाऊँगा। तो मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल में जाने की घोषणा कर दी, लेखक बोले। सभी लोग सप्ते में आ गए। बात भी तो अजीब थी, उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, लोगों ने बहुत समझाया, यानी लेखक के पिताजी जो है डिप्टी कलेक्टर थे, अब उनको सबने बहुत समझाया, नौकरी की बात कही कि भाई अगर आप इस तरीके से असहयोग आंदोलन में भाग ले लोगे तो आपके पिताजी की जो सरकारी नौकरी है वो धोखे में आ जाएगी। परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश जो मानना था, इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया, यानी उस समय 15 साल की उम्र में सबसे पहली बार उन्होंने हिम्मत किया, घर में बताया कि मुझे जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल में नहीं पढ़ना है, इस सच का साथ दिया यानी सत्य का साथ दिया और देश के लिए विद्रोह किया यानी असहयोग आंदोलन में भाग लिया और स्कूल को जो है स्कूल जाना बंद किया, ये त्याग उन्होंने अपने देश के लिए किया था, विद्रोह किया था। तब तक मैं त्याग नहीं विद्रोह बोलेंगे, है ना, तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। प्रभात फेरी यानी सुबह सुबह जो है एक किसी एक संघ को मानने वाले लोग हाथ में जो है अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर और गली गली घूमते हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, तो वो प्रभात फेरी वो किया करते थे। यह बात सन 1921 की है
की ही है। और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी, यानी 1921 पंद्रह साल की उम्र में। देखिए, मौलाना शौकत अली जी की बातों का उनके दिमाग पर इतना असर हुआ कि उन्होंने कहा, सही है, अगर अंग्रेज़ों का हमें विरोध करना है तो सबसे पहले तो हमें जो है अंग्रेजी शिक्षा को जो है छोड़ देना चाहिए। इसलिए उन्होंने हिम्मत करके घर में बोला कि मुझे जो है अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में नहीं जाना है। तो ये उनका पहला विद्रोह। दूसरा, गांधी जी का साथ देना है, दूसरा विद्रोह। फिर उन्होंने प्रभात फेरियाँ शुरू करी, भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे कि उनके अंदर जो है अपने देश के प्रति, अपने धरती के प्रति जो है एक प्रकार का प्रेम, एक प्रकार का लगाव उत्पन्न हो गया। और यहीं पर सन 1931 में उन्होंने पहली कविता जो है देश प्रेम पर लिखी। क्योंकि उनका देखिए जो कोमल दिमाग है, 14-15 साल के बच्चे का जो दिमाग है, उसमें जो सबसे पहला असर हुआ वो देश प्रेम का है ना। उन्होंने देश प्रेम के लिए कुछ करने का सोचा, तो जो प्रभाव उनके दिमाग पे पड़ा, उन्होंने उसने ही उनको कविता लिखने की जो है प्रेरणा दी। तो यही मेरी कविता का मंगलाचरण था, यानी स्टार्टिंग थी, शुभारंभ था। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहे अनुराग जी, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कैसे आए? क्योंकि भाई आपका जन्म जो है वो तो मध्य प्रदेश में हुआ है ना। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले, नरसिंहपुर के, और आप यहाँ कैसे आ गए? तो उत्तर मिला कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, यानी उस समय 1921 की बात की जा रही है, जब नागपुर जो है अभी जो तत्काल में महाराष्ट्र में है नागपुर, लेकिन नागपुर कभी मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ करता था, है ना। सन 1960 के लगभग जो है नागपुर मध्य प्रदेश से हटकर जो है महाराष्ट्र में रखा गया। तो यहाँ पर वे बोल रहे हैं कि उस समय नागपुर विश्वविद्यालय में बिल्कुल भी हिंदी का कोई विभाग नहीं था विश्वविद्यालय में, और इसीलिए जो है वे उत्तर प्रदेश गए, क्योंकि वहाँ पे सब हिंदी में था। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की और तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश ले लिया। अब इंटर की परीक्षा यानी क्या? पहले के समय में जो 12वीं की परीक्षा होती है उसको इंटर की परीक्षा कहा जाता था, ठीक है। तो वो करके वे कॉलेज में गए। मैंने इसी विश्वविद्यालय से प्रयाग विश्वविद्यालय में गए हैं ना, तो प्रयाग विश्वविद्यालय से क्या किया, एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे, यानी ये बात जब वे अनुराग जी को बता रहे थे तो लेखक का चेहरा जो एकदम गंभीर होता जा रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोसे गए हैं, और ऐसा लग रहा था उनके चेहरे को देखकर जैसे वो अपने पुराने दिनों में उस समय में 1921 के समय में जो है खोते चले जा रहे हैं। मैंने पुनः सवाल किया, लेखक बोले, प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है ना। यहाँ पर वे बात कर रहे हैं कि अब देखिए अनुराग जी क्या बोल रहे हैं कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका जो लौकिक प्रेम है वो अलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? अब हम यहाँ पे अगर देखें कि भाई लौकिक प्रेम यानी क्या, तो लौकिक प्रेम यानी कि सांसारिक प्रेम, यानी जो संसार के मोहमाया में बंध कर रहता है वो, और पारलौकिक प्रेम यानी उसकी अगली पीढ़ी है ना, अगला जो संसार है यानी दूसरा संसार, जिसमें लौकिक प्रेम को कोई भी स्थान नहीं होता, ऐसे स्थान के बारे में यहाँ पे बात की गई कि लोग जो है शुरू करते हैं लौकिक प्रेम से अपनी कविताओं को लिखना, लेकिन बाद में पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा ही हुआ है कि आप भी कहीं मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि दूसरे दुनिया की जो है कविताएं लिखने लगे हों, ऐसा आपके साथ भी हुआ है क्या? क्योंकि लौकिक प्रेम तो इस दुनिया की कविताएं लिखना हुआ, पारलौकिक प्रेम यानी दूसरी दुनिया के बारे में लिखना। तो अनुराग जी को वे उत्तर देते हैं। रामकुमार जी बोलते हैं कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, यानी जो प्रेम है वो नेचुरल स्वभाव है ना किसी भी मनुष्य का। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। वे बोले 1926 में मेरी शादी हो गई, अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से जो है प्रेम हो गया। अब सात्विकता यानी क्या? वर्चुअसनेस है ना, और नैतिकता यानी क्या? जो भी जीवन के अपने एथिक्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे वे बात कर रहे हैं। बोले अब मुझे जो एथिक्स है उनसे प्रेम हो गया था। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में
कबीर का रहस्यवाद लिखा। ये उनके किताब का नाम है, कबीर का रहस्यवाद। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। यानी उन्होंने कहा मेरे जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अनुभव रहे हैं, जो मैंने कविता के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। अब वे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मुझे अभिनय करने का यानी एक्टिंग करने का बड़ा शौक था और अक्सर कोई त्यौहार हो उस समय जैसे रामलीला वगैरह होती थी तो मैं उन नाटकों में भाग लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, लेखक बोल रहे हैं, प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। तो उत्तर में वे बोले कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता है ना, स्टेबिलिटी का अभाव है ना। कुछ भी हमको कोई भी दल जो है किसी एक विचारधारा के ऊपर स्टेबल नहीं दिखाई देता। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ, है ना। वे बोलते हैं कि मैं साहित्यकार हूँ, एक लिटरेरी पर्सन हूँ और साहित्य के चिंतन में ही मैं विश्वास रखता हूँ। यानी साहित्य के जो चिंतन जो है उसी के बारे में सोचने, समझने में, लिखने में जो है मैं विश्वास करता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी की ओर देखा और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वे समय के कितने पाबंद हैं। उन्होंने 10:30 से बुलाया था उन्हें, 10:30 से 11:30 एक घंटे का जो है वे उन्होंने यहाँ पर उन साक्षात्कार दिया और जैसे ही 11:30 बजे उन्होंने उसे मतलब लेखक को जो है कहा कि भाई अब मुझे दूसरी जगह किसी कार्य से जाना है और उनको विदा किया। इस तरीके से जो मधुबन लेसन है इसका जो अर्थ है ये आपको समझ में आया होगा। और मधुबन यानी क्या, तो जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं उनके घर का नाम है मधुबन। तो लेखक जब उनसे मिलने के लिए मधुबन में जाते हैं तो वहाँ के बारे में जो है वे लिख रहे हैं, तो उन्होंने उनके घर के नाम से ही इस लेसन को लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी का उस समय लोगों पर पड़ने वाला प्रभाव है ना, कोमल हृदय पर, कोमल मन मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव हमने यहाँ पर रामकुमार जी के ऊपर उनका वो प्रभाव देखा। और यहाँ हमें पता पड़ा कि कैसे उन्होंने उससे प्रभावित होकर देश प्रेम के प्रति प्रेरित हुए और उस देश प्रेम ने उन्हें कविता लिखने की जो है प्रेरणा दी। तो विद्यार्थियों आपको ये लेसन खूब अच्छे से समझ में आया होगा, इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। लेकिन जाने से पहले कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मिल बांटकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।